वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इलेक्ट्रिक ऑटो। इसके बारे में आपने थोड़ा कम सुना होगा, तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आप अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को बता दूं कि एक ऐसा ऑटो आ चुका है मार्केट में जिसने काफ़ी धमाल मचा रखा है। तो ऑटो का नाम है मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो, और ये जो ऑटो है काफ़ी फीचर्स के साथ आता है। तो चलिए मैं एक एक करके इसके फीचर्स बताता हूँ आपको और ले चलता हूँ ऑटो के पास। तो फ्रेंड्स नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है नमस्कार। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोन्ट्रा के इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो के बारे में। तो सामने आप देख सकते हैं सर, लुक बिल्कुल ही अलग है जो सिंपल ऑटो चलते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा। तो आज इसके बारे में पूरी हम बात करेंगे। सामने आपको दिखेगा इसका फ्रंट से शुरू करते हैं। विंडशील्ड इसका बहुत ही बड़ा है, आप बिल्कुल ही आपको जो है विजिबल आपको दिखेगा रोड पे, और ये आपको वाइपर मिल जाता है। फ्रंट की अगर आप लुक की बात करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट है अदर ऑटो से। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है माउंट्रा का, बस यहाँ पर आपको बीच में सेंटर में जो है ये फाइबर बॉडी मिलती है, नीचे आपको जो है नंबर प्लेट मिल जाती है, और फ्रंट का लुक जो है बिल्कुल ही डिफरेंट है, देखने में ऑटो अच्छा लगता है। तो बात करेंगे अगर फ्रंट सस्पेंशन के बारे में, तो आपको मिलता है डबल फोक हेलिकल स्प्रिंग, और नीचे आपको मिल जाता है ड्रम ब्रेक्स। और वहीं अगर आप बात करेंगे इसका जो मड गार्ड है वो है पूरा मेटल का, तो नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉडी मिलने वाली है। बात करेंगे नीचे थोड़ा सा जो है इसमें आपको 3D डिज़ाइन दी गई है, यहाँ पर आपको जो है पूरा ये मेटल की बॉडी मिलती है साइड में। और जो इसके लैम्प्स है, हेडलैम्प्स की अगर बात करेंगे तो पावरफुल हाइड्रोजन लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, और बिल्कुल स्क्वायर शेप में इसमें लाइट्स आपको देखने को मिलेंगी। और बात करते हैं साइड में, आपको दो तरफ मिरर्स मिल जाते हैं साइड में आपको देखने के लिए कि कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है। साइड मिरर्स आपको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअली इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। बात करेंगे पूरी बॉडी की, फुल बॉडी से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है इसका जो बात करेंगे अगर इसकी जो चीचेस की, काफ़ी ज़्यादा मुझे मजबूत लगी देखने में, और साइड से इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है। वहीं आपको जो है यहाँ पर आपको एक लॉक मिल जाता है डोर में जो तो कि की लॉक है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये भी पूरा मेटल का है, फाइबर बॉडी नहीं है। बस आप देखेंगे कि लेग रूम इसका काफ़ी अच्छा है, बैठने की काफ़ी अच्छी जगह इसमें आपको देखने को मिल जाती है। ये जो है आपका 4 सीटर है, मतलब एक जो इसमें आपको ड्राइवर मिलेगा, 3 पैसेंजर मिलेंगे बैठने के लिए। वहीं अगर आप ड्राइवर सीट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है हाई बैक रेस्ट, जिससे कि आपकी पीठ में कभी दर्द नहीं होगा ड्राइवर के लिए, तो बहुत ही अच्छा फीचर एक मुझे देखने को मिला है इसमें। वहीं अगर आप बात करेंगे इसमें आपको एक हैंगिंग ग्रिप मिल जाती है, इससे पैसेंजर्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प मिलती है। प्लस सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन कलर में आती है, और कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे। और बात करेंगे साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है, और पूरा मेटल बॉडी आपको बताऊँ मैं चारों तरफ से है। सिर्फ थोड़ा सा जो जहाँ पे गाड़ी का लोगो है वहाँ पर थोड़ा सा आपको जो है फाइबर देखने को मिलेगा। बस अब बात कर लेते हैं इसके रूफ क्वालिटी के बारे में, तो इसके रूफ में आपको प्लास्टिक और रैक्सीन की जो है मिक्सअप मिलेगा आपको वही है, और पीछे आपको छोटी सी विंडो दी गई है जिसमें कि आपको एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लगा हुआ, जिससे आप पीछे की विजिबिलिटी को भी देख सकते हैं पीछे क्या गाड़ी आ रही नहीं आ रही। यहाँ पर आपको मोन्ट्रा का इलेक्ट्रिक का आपको यहाँ पर आपको लोगो देखने को मिलेगा, और प्लस यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगेगी, यहाँ पर लाइट्स भी दी हुई। वहीं अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको जो है रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा नीचे, और एक रिफ्लेक्टर की आपको जो है पट्टी भी देखने को मिलेगी, जिससे कि आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। यहाँ पर आपको स्टाइलिश जो है टेल लैम्प देखने को मिलेगा, ये LED का पूरा कॉम्पैक्ट उसमें है आपको, बैक गियर का और आपको राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर भी देखने को मिलेगा इसी में। और आप फ्रंट की बात कर लेते हैं कि डैशबोर्ड में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो डैशबोर्ड के बारे में पूरा हम बात करेंगे, इसके मैकेनिकल और टेक्निकल बातें भी कर लेते हैं। तो सामने आप देखेंगे विजिबल काफ़ी ज़्यादा है डैशबोर्ड, पूरा जो है पूरा स्ट्रॉन्ग फाइबर का बना हुआ है। यहाँ पर आपको जो है डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलेगा, इसको मैं अभी आगे ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो बात कर लेते हैं फिलहाल इसके जो फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको जो है ग्लो बॉक्स मिल जाता है जो कि लॉक एंड अनलॉक होता है। यहाँ पर आपको हेजार्ड लाइट, वाइपर के लिए आपको स्विच, और यहाँ पर 12 वोल्ट की आपको एक जो है सॉकेट देखने को मिलेगा जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो इसके हैंडल पे आपको कुछ स्विचेस मिल जाते हैं, हॉर्न और इंडिकेटर मिल जाता है, आपको यहाँ पर जो है हेडलाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर डिपर मिल जाता है। तो सारे स्विचेस आपको जो है यहाँ पर हैंडल बार में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से अपनी गाड़ी की जो है लाइट को आप इंक्रीज कर सकते हैं, हेडलाइट की पावर को। यहाँ से इग्निशन ऑन होता है, यहाँ पर आपकी की लगती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके मोड्स की, जो है कि इसमें आपको कौन कौन सा मोड मिलता है। तो इसके ड्राइव मोड में आपको मिल जाता है पार्क असिस्ट, इको, ड्राइव, पावर, रिवर्स, ये आपको इतने जो है मोड्स देखने को इसमें आपको मिलेंगे, जो यहाँ से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जिसमें मोड पे भी आपको गाड़ी को चलाना है। तो ये जो है इसमें आपको 5 मोड देखने को मिलेंगे। और बात करेंगे कि जो है इस कैबिन की, तो ड्राइवर कैबिन काफ़ी ज़्यादा मुझे मजबूत लगा, और काफ़ी स्पेसिस से लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। इसका ब्रेक पैडल है, और यहाँ से आपको जो है इसमें एक्सीलेटर देने को मिलेगा, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसे जो है आप बहुत ही ईजिली आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ आपको जो है एक एक्सीलेटर और एक पैडल मिलता है। लेग रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, काफ़ी कंफर्ट है, और दोनों साइड काफ़ी स्पेस है, आप इजीली बैठ सकते हैं, और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक भी देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरह से आपको जो है 2 चाबियाँ मिल जाती हैं इस गाड़ी के लिए, 2 की आपको मिलेगी साथ में, और यहाँ से इग्निशन ऑन होगा, ऐसे इसको लगाएंगे और इसको ऑन करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको जो है इसका क्लस्टर देखने को मिलेगा, पूरा डिजिटली आपको ये इन्फॉर्म करेगा कि क्या क्या आपकी पोजिशन है इस गाड़ी की,
और इसमें आपको जितना भी आपका रेंज होगा और जो भी इसकी आपकी टाइमिंग होगी और जो भी इसके मोड होंगे, सारे जो है इंडिकेटर्स आपको इसमें जल के दिखाएंगे, सारी एलईडी लाइट्स में लगी हुई हैं। तो चलिए मैं ग्लोव बॉक्स भी खोल के दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। ये अच्छा फीचर है कि इसमें आपको लॉक करने की भी सुविधा मिलती है। तो चलिए मैं अब सारी चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी, अब मैं बात करूँगा इनके कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में और प्राइस के बारे में। चलिए आगे तो बात गाइज करते ये हैं। था इलेक्ट्रिक ऑटो मोन्ट्रा का, जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुका है अपने कम ही टाइम में, और इसने पैन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रखा है, धूम मचा रखा है। फेस्टिवल सीजन आ चुका है तो काफ़ी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, और बाकी इसके कुछ टेक्निकल फीचर्स भी मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो बेसिकली बात करेंगे तो ये है मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक सुपर ऑटो, और ये जिसके फीचर्स वो भी काफ़ी सुपर हैं, तो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में आपको। इसका जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग मेटल बॉडी है, और इसका जो टॉर्क है वो 60 Nm का है। हाई बैक रेस्ट ड्राइवर सीट मिलती है आपको, 5 ड्राइव मोड्स मिलते हैं, एलईडी टेल लाइट्स मिलती हैं, और सुपर रेंज इसकी है 203 किलोमीटर। इसी में आपको और बता दूं कि ये 2 वेरिएंट में आता है, एक आपका आता है ईपीवी में और एक आता है ईपीवी 2.0। जो 2.0 है इसका जो उसमें जो रेंज है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो ये व्हीकल कैटेगरी में आता है L5M। सीटिंग कैपेसिटी इसकी है D+3, मतलब ड्राइवर के साथ तीन लोग और बैठ सकते हैं। बॉडी टाइप इसका मेटल है, और रूफ टाइप इसका है रेक्सीन कैनोपी, और चेसिस इसकी आपको मिलेगी स्ट्रॉन्ग बोर एंड स्टील चेसिस। बात करेंगे डायमेंशन की तो डायमेंशन इसका है 2825 mm, 1350 mm और 1750 mm, और इसके व्हील बेस जो है 2010 mm का है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो 207 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। टर्निंग साइकिल सर्कल इसका DIA है 5248 mm, और GVW इसका है कैपेसिटी है 756 kg, और इसका जो कर्व वेट है वो है 456 kg। बात करेंगे परफॉर्मेंस की तो टॉप स्पीड इसकी है 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, ये दोनों ही वेरिएंट चलते हैं। और पिकअप अगर बात करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 सेकंड में ले लेता है, और ग्रेडिबिलिटी इसकी है 21% की, और ARAI सर्टिफिकेट रेंज इसकी है 203 किलोमीटर की। तो इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोनों में आपको मिल जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, दोनों ही वेरियंट में आपको देखने को मिलेगा। ड्राइव मोड्स में आपको मिल जाते हैं 5, जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्क असिस्ट, इको ड्राइव, पावर और रिवर्स, ये 5 आपको मोड्स मिलते हैं देखने को। और पीक पावर की अगर आप बात करेंगे तो 10 किलोवाट के दोनों ही वेरिएंट आते हैं, और पीक टॉर्क टॉर्क इसमें दोनों में ही 60 Nm का आता है। और बैटरी और चार्जिंग की अगर आप बात करेंगे तो बैटरी टाइप इसकी है लिथियम आयन बैटरी, और दोनों में ही 48 वोल्ट की है, और बैटरी कैपेसिटी दोनों में अलग है। जो EPV वेरियंट है इसमें 7.66 किलोवाट का है, और जो 2.0 है उसमें आपको मिलती है 10 किलोवाट, और चार्जर टाइप दोनों में ही ऑफ बोर्ड है। सस्पेंशन और सेफ्टी की अगर आप बात करेंगे, हेडलैम्प सबसे मिल जाते हैं, हाई पावर हैलोजन लाइट्स दोनों में वेरिएंट मिलेगा, टेल लैंप्स आपको इंटीग्रेटेड स्टाइलिश एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं। सस्पेंशन फ्रंट में अगर आप बात करेंगे तो डबल फोक हेलिकल स्प्रिंग मिलता है, और रियर की अगर आप बात करेंगे तो शॉक अब्जॉर्बर विद हेलिकल स्प्रिंग मिलता है। और ब्रेक्स दोनों में है, जब फ्रंट और रियर की बात करेंगे तो हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों ही टायर में, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में मिलता है। टायर्स इसके हैं 3.75x12E664PR इसके जो है मॉडल है। और कंफर्ट और फीचर्स की अगर बात करेंगे तो ड्राइवर सीट में आपको मिल जाता है हाई बैक रेस्ट और एग्रोनॉमिक ड्यूल टोन सीट्स, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसको आपको देखने को मिलेगा 4.3 इंच की एलसीडी, आपको एलसीडी स्क्रीन मिलती है। ग्लो बॉक्स दोनों में देखने को मिलेगा विद लॉक्स के साथ, मोबाइल चार्जिंग भी आपको मिलेगा 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ, मॉन्ट्रा टाइप ऐप भी आपको मिल जाते हैं दोनों ही वेरियंट में से भी। आप जो है गाड़ी की फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, इसकी जो है सिचुएशन पोजिशन के बारे में जान सकते हैं। पैसेंजर सीट्स के बारे में बात करेंगे तो डुअल टोन सीट्स है विद सुपीरियर कुशन के साथ आता है, काफ़ी कंफर्ट है इसमें। लगेज स्पेस दोनों में ही मिल जाता है, रियर लगेज कैबिन विद टेल गेट के साथ आपको मिल जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें है। वारंटी गारंटी की बात कर लेते हैं, व्हीकल वारंटी है इसमें 3 ईयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर के आसपास आपको जो है इसमें आपको वारंटी देखने को मिलेगी, और रोड साइड असिस्टेंस भी आपको दोनों देखने को मिलेगा, दोनों ही सिर्फ 1 साल के लिए ये वैलिड होगा, बाकी इसको जो है आप बढ़ा सकते हैं। इसका AMC अगर आप देखेंगे तो ऑप्शनल है दोनों में, एक्सटेंडेड वारंटी दोनों में ही ऑप्शनल आप बढ़ा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वक्त क्या ऑफर चल रहा है इसमें, तो ऑफर इसमें चल रहा है कि इसकी कीमत है 3,02,048 रुपये इसकी कीमत शुरू हो जाती है। दोनों दो ही मॉडल पे आपको फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो एक्सिस मोटर प्राइवेट लिमिटेड, इसका जो कि आपका जो इसका एड्रेस है वो बताता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ में आपको ये देखने को मिलेगा, शॉप नंबर 2N3, प्लॉट नंबर 627, और नंबर मैं शेयर कर दूंगा और लोकेशन भी मैं शेयर कर दूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक ऑटो आपको देखने को लगेगा, आप इसको देखेंगे काफ़ी अच्छा है, मैंने इसके बारे में फुल डिटेल वीडियो बनाया है। बाकी इसके बाद मैं कस्टमर रिव्यू भी लेके आऊँगा कि जो जिन्होंने इसे खरीदा है और वो चला रहे हैं तो क्या रेंज उनको देखने को मिल रही है, कैसी उसकी पावर है, क्या उसकी क्वालिटी है, और क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है।
तो ऐसे वीडियोस में लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और बाकी और भी मेरे चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफ़ी मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर पे काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं। तो चलिए मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।